अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हदीका आज़ाद। आज हम नई वीडियो नए आइडियाज़ के साथ आपके सामने लेके आए हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप हमारा इंस्टा और फेसबुक पे विज़िट करें, उसे लाइक करें। और ऑल पाकिस्तान हमारी सर्विस है ऑनलाइन, तो कोई चीज़ आप अगर कोई पसंद करते हैं, कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो आप उस पर मैसेज करें। चलें जी, हम अब स्टार्ट लेते हैं नई वीडियो का। बहुत आसान है, जैसे पिछली वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो हम नई वीडियो, वो भी जो घर में हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह तैयार होती है चीज़ घर को डेकोर करने के लिए। सबसे पहले आप ये देखें, ये है रीत। रीत मतलब इसको हम वॉल हैंगिंग जो दीवार पे लगाने के लिए, और इसको हुला, होप, रीत, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये गिफ्ट आइटम भी बहुत अच्छा है किसी को देने के लिए, और इसको आसानी से घर में तैयार किया जा सकता है। और ये वॉल हैंगिंग है, यानी आप अपने डोर पे, अपने रूम में, गर्ल्स अपने रूम में, या गिफ्ट करने के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इसको आप हमसे मंगवा भी सकते हैं 10% डिस्काउंट पर। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो चीज़ें लेंगे, हम स्टार्ट करने से पहले, हम इसमें लेंगे कटर, सीज़र, ये सीज़र हमारी कैंची। और कटर मैंने आपको कहा था कोई भी ले सकती हैं आप, जिससे भी आप कट करना चाहें। जूट, जूट तो ये हमारे ज़रूर होनी चाहिए, ये अक्सर चीज़ों में इस्तेमाल होती है। और कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करता है तो जूट का इस्तेमाल उसमें काफ़ी होता है। ये है आम फ्रेम, आप इसमें कढ़ाई वाले जो फ्रेम होते हैं आप वो ले लें, आसानी से अवेलेबल हैं। उस पर आप चाहें तो स्प्रे कर लें, वरना आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो इस पर हल्का सा शाइनिंग के लिए लेकर स्प्रे कर लेती हूँ, जो फर्नीचर्स पे शाइन के लिए होता है, बस वो आप इस पर हल्का सा स्प्रे करें, और ट्रांसपेरेंट तो वो शाइन देने लग पड़ता है ये। अच्छा, ये हुप है, इसको इस्तेमाल करें, हुला हुप। और ये लीव्स हैं, देखें ग्रीन लीव्स हैं, इसके साथ रोज़ है, वाइट रो ऑफ वाइट कलर के रोज़ेस हैं ये, इस पे दो प्लास्टिक के हैं ये। अच्छा, पर्पल कलर के ये फ्लावर्स हैं, ये मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। और इसमें ये जो है टू शेड के ये भी लीव्स हैं, पर्पल एंड ग्रीनिश, सब्ज रंग के ये, और ये लीव्स हैं, लाइट ग्रीन लीव्स हैं इसमें, तो बहुत खूबसूरत है ये, बनाना भी आसान है और गिफ्ट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये रिबन, रिबन तो आसानी से कोई भी टाई या कुछ भी, आप ऑफ वाइट रिबन से इस टाई को आप आसानी से बना सकते हैं घर में। चलें जी, अब स्टार्ट लेते हैं हम। सबसे पहले तो हम जूट लेंगे ये वाली, और उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे हैंगिंग के लिए। इस तरह हम इसको अटैच करेंगे जूट को, ये आप इस तरह इसको कट करें, और ये इस तरह करके आप इसमें से आसानी से इस तरह, ये देखें ये मैंने कट किया, और इसके अंदर से इसको इस तरह निकाल लिया ऐसे, ठीक है। ये तो आपका हो गया, आपने इसको गिरा दी और यूं हैंग के लिए, ठीक। और ऊपर से आप इसको चाहें तो गिरा दे लें, ताकि आसानी से आप इसको जहां भी हैंग करना चाहें ये हैंग हो सके। कई घर में चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें महसूस होता है कि हमारे काम की नहीं है, बेकार है, और हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उसको चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे हुआ, ये देखें। चलें, ये तो हैंग करने के लिए आपका आसानी से ये हो गया। अब हम इस पे ये जो टाई लगाई है, टाई बनाई है हम लोगों ने,
ये हम इस पर अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसके लिए आप ग्लू गन लेंगे, ग्लू गन से आप इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से आप इसको अटैच कर लें। चलें इस तरह ये आपकी टाई अटैच हो गई। अब हम सबसे पहले ये लेंगे ग्रीन कलर के लीव्स, इसको कट करेंगे। और इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये इस तरह, एक इस तरह लगाएंगे और एक हम इस तरह। अच्छा, इसको अटैच करने के लिए हमें वायर की भी जरूरत पड़ेगी, कोई भी वायर ले सकते हैं आप। तो ये देखें, इतनी बड़ी इसमें मोटी आपने वायर नहीं लेनी, बारीक वायर लेनी है आपने, तार जो होती है स्टील की, वो जो बाज़ार से मिल जाए, किसी भी हार्डवेयर शॉप से आप इस वायर को आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये वायर इस तरह आप लेके इसको आप कटर से कट कर लें वायर को, या कटर से ऐसे कट करें। कट करने के बाद आप इसको लीव्स के साथ अटैच करेंगे। ये किधर लगाएंगे इस तरह, और उसके साथ आप इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से और बैक साइड से आप इसको ट्विस्ट कर लेंगे। इस तरह ये एक साइड से आपने इस तरह लगा लेना, ठीक है। और दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह ही दूसरे लीफ को अटैच करना है, पत्तों को कटर से कट करके। जैसे यहाँ लगाया ऐसे ही आप इधर भी अटैच करेंगे इस तरह। इस तरीके हर चीज़ मेहनत के साथ होती है, और बगैर मेहनत के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचा करें, अपने माइंड में लाया करें, और घर में जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे हम रिफ्रेश करें और कैसे हम उसको यूज़ करें, ये आप सोचा करें। ये इस तरह। अच्छा, कोई भी काम करें तो अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अच्छे माहौल और पीसफुल माहौल में आप अच्छा काम कर सकते हैं, क्वालिटी वर्क। तो कोशिश किया करें कि अपना जो भी काम करें उसको साफ़ सुथरा और अच्छे माहौल में करें, ताकि आपका माइंड जितना फ्रेश होगा तो फ्रेश माइंड में उतने ही फ्रेश आइडियाज़ भी आएंगे। ये देखें, इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे इसके साथ इस तरह। इस जगह पे इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करेंगी, और इसको भी वायर के साथ आप अटैच कर देंगे।
वायर के साथ भी कर सकते हैं, ग्लू गन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा उसकी ज़रा मजबूती हो जाएगी वायर के साथ। इस तरीके से आप इसको अटैच कर लें। ये आपने इसको इस तरीके से अटैच कर लेना है, ठीक है। ये जो बाकी लीव्स हैं ये आपने इसके साथ इधर अटैच कर देना है। इसको कटर से आपने कट करना है ये, और इसको ग्लू गन से अटैच कर देना है। इस तरीके से ये। अच्छा, अब हम लगाएंगे इसमें पर्पल कलर के ये फ्लावर्स। अब आप ये वाले लीव्स लेंगे जो टू शेडेड हैं, दो रंग में है, ये लाइट पर्पल है और लाइट पिंक सा और ग्रीनिश सब्ज रंग का। ये आप लेंगे, इसको कटर से कट करेंगे, दो तीन आप इसको कट करके निकाल लें। ये सबसे पहले तो ये जो ग्रीन लीव है इसको आप इसके साथ ही अटैच करते हैं। ये आप इसके साथ अटैच करते जाएं। एक लीव आप इसके साथ और अटैच करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें एक और फ्लावर ऐड करेंगे पर्पल कलर का। ये देखें इस तरीके से। एक और आप इसमें छोटा सा फूल ऐड कर दें। ये देखें, ये छोटी सी कोम्पल है पर्पल कलर की इन्हीं फ्लावर्स के साथ, इसको आप ऐड करें।
खूबसूरत सी आपकी रीत तैयार हो चुकी है। इसको आप जहाँ भी चाहें आप इसको हैंग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत और एक डिफरेंट स्टाइल के साथ ये आपके सामने तैयार है और बड़ी यूनिक चीज़ है, गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जाने से पहले आप देख लें हमारी दोनों रीत्स, एक पर्पल कलर की वन कलर जो है, इसमें आप अपने मर्ज़ी से कोई और भी कलर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और एक ये कलरफुल सी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके व्यूवर्स, जाने से पहले हमारे चैनल की फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक नए आइडियाज़ के साथ दोबारा आपके सामने। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।